सैंडब्रिज मिनी व्हीकल्स। जबलपुर के पास एक पहाड़ी गुफा में एक चोरों का गुम हुआ करता था। उसके नायक का नाम था डाकू कबीर सिंह, उसके बेटे का नाम था मोटू सिंह। उसकी बॉडी तो बढ़ गई थी लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। एक दिन कबीर सिंह गुफा पर रखे एक टेबल पर एक मिनिएचर मॉडल को दिखाते हुए, मैं पहले स्कूल में टीचर की तरह काम करता था, फिर जब तनख्वाह काफी नहीं हुई तो ऐसे चोर में बदल गया। इसीलिए मैं जो भी समझाता हूँ वो साफ साफ समझाता हूँ, सब ध्यान से सुनिए। पहले ही आप कम अकल के हैं। ये देखो, कल हम इस बैंक में लूटी करने वाले हैं, गोलमाल बैंक। बैंक के पीछे ये हमारा कार होगा। पहले कस्टमर्स की तरह आप में से कुछ लोग इस कार में जाओगे, फिर दोनों कार एक जैसे ही होंगे, नंबर प्लेट भी सेम होना चाहिए। आप लोग बैंक को लूटने के बाद पीछे वाली कार से भाग जाना। तुम लोग इस कार में भागते दौरान पुलिस वालों का ध्यान भटकाना होगा, इस तरह पुलिस को अपने पीछे भगाना होगा, समझे? बहुत खूब, कहकर तालियां बजाने लगे। दादी, आप आखिर डाकू कैसे बने, मुझे समझ नहीं आया। आपके असिस्टेंट को तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, हमारे पास तो घोड़े हैं ना, कार क्यों कह रहे हो? शाबाश बेटा। क्यों भाई, तुम लोग क्यों सोचते हो कि मेरा बेटा होशियार नहीं है? जो डाउट आप लोगों को नहीं आया वो मेरे बेटे को आया। देखा, सच में बेटा, गुफा के बाहर नहीं देखा क्या, नए कार आज ही डिलीवर हुए हैं। अब से घोड़े नहीं, सिर्फ कार्स। सारे चोर बेइज्जती महसूस करते हुए सर नीचे झुका लिए। फिर सब बाहर आकर देखे तो वहाँ एक जैसे दो कार्स थी। ये कार तो बहुत खूब है डैडी, मुझे उन्हें चलाने का मन कर रहा है। कल मैं भी चोरी के लिए जाऊंगा डैडी, प्लीज डैडी। नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम्हें और ट्रेनिंग देना है, उसके बाद जाना। वो और उसका ये बेटा, देखने से ही गुस्सा आ रहा है। अभी अभी घोड़े नहीं है ना बॉस, कहने की सोचा था, लेकिन कहने पर क्या कहेगा पता है ना? रे इडियट, मुझ में दिमाग नहीं है सोच रहे हो क्या? तुम्हें टेस्ट करने के लिए ऐसा कहा, कहेगा। लेकिन उसका बेटा पूछा तो, ओहो, जैसे कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसे यूं महान बनाना फिर हमें नीचा गिराना, ची ची। अंदर आकर मोटू वहाँ टेबल पर मौजूद खिलौने के साथ खेल रहा था। तब उसकी माँ उसे खाना खिलाने लगी। वाह, कार वाला खिलौना तो मस्त है, ड्र ड्र। ये देखो, ऐसे पुलिस कार को तो ठोक देना चाहिए, झिशकियों झिशकियों झिशकियों, कहकर दोनों कार को मारने लगा। बेटा बेटा चुप बैठो, इन्हें बिगाड़ दिए तो प्लान बिगड़ जाएगा और तुम्हारे पिताजी को खूब गुस्सा आ जाएगा। खैर मुंह खोलो बेटा, खाना खिलाती हूँ, यूं कहकर खाना खिलाने लगी। अगले दिन प्लान के प्रकार बंदूक दिखाकर चोर बैंक को लूट लिए। पुलिस कार वाले उसके पीछे पड़ने लगे। दोनों कार एक जैसे होने के कारण एसआई को पता नहीं चला कि कौन सी कार को फॉलो करे और वो सर पकड़ लिया। इस तरह कार रोड के अंत तक चले गए। पुलिस दूसरी वाले कार का पीछा करने लगी। आखिरकार गुफा में पैसों के साथ आने वाले को कबीर सिंह प्रशंसा नहीं दिया और आप ही सब कुछ किए हो जैसा हीरो मत समझिए अपने आप को। प्लान बनाकर तुम्हारे जैसे बेवकूफ दिमाग को मैंने समझाया है। तुम लोग वेस्ट फॉलोज हो, इसलिए एक घंटा देर से आए, कभी टाइम पर आए हो क्या? ये बातें सुनकर चोरों को खूब गुस्सा आया। एक बार डाकू, माय डियर ब्रेनलेस फेलोस, ध्यान से सुनो, इस बार ट्रक से पैसे चुराने होंगे, इसलिए नया ट्रक खरीदा हूँ। तुम लोग चोरी करने के बाद ये देखो, ये सैंड ब्रिज को पार करना होगा। वहाँ तुम लोगों के लिए एक कार तैयार खड़ी होगी, ट्रक में कुछ लोग रहकर बाकी के कुछ लोग उस कार में चढ़ेंगे, समझे? वो क्यों भाई, ट्रक में ही सब जा सकते हैं ना, बीच में बदली क्यों करें?
आहा, कितने इडियट्स हो आप लोग। पिताजी के कहे अनुसार करोगे तो कुछ पुलिस वाले ट्रक के पीछे और कुछ पुलिस वाले ये कार के पीछे पड़ेंगे। इस तरह वे कमजोर पड़ जाएंगे, वो भी नहीं समझ पाते। स्टूपिड फेलोस। एक और मुख्य बात, ये जो है वो सैंड ब्रिज है, वहाँ आपको सच वाला ब्रिज पार करना है। सैंड ब्रिज सोचकर ढूंढते मत रहना स्टूपिड फेलोस। कहकर पिताजी, पता नहीं मुझे क्यों उन पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैं भी जाता हूँ पिताजी, प्लीज। ठीक है। अगले दिन बैंक से चोरी किए, फिर ट्रक में जब जा रहे थे तो पीछे से पुलिस जीप उनका पीछा कर रही थी। वो ट्रक यूं फ्लाईओवर चढ़कर उतरी। फिर देखा तो वहां एक पुलिस कार थी। छोटे साहब, ये क्या, यहाँ पुलिस जीप है, चलो चलो भाग चलते हैं। ए है, मुंह बंद करो गधे कहीं के, उस कार को पिताजी ने ही रखा होगा, चढ़िए उसमें। कहकर कबीर सिंह को फोन मिलाया। बेटा, मैं ही तुम्हें फोन मिलाने वाला था, वहाँ मौजूद कार जो है ना। यूँ कुछ कह ही रहा था। डैडी, मुझे सब समझ आ गया, आप बहुत महान हो डैडी, बहुत होशियार हो, क्या दिमाग पाया है। उफो, पुलिस कार रखोगे तो किसी को शक नहीं होगा सोचकर रखे हो ना, आप सुपर हो डैडी। यूँ बिना कोई बात सुने कहता जा रहा था और आखिरकार फोन कट कर दिया। हे, मेरी बात सुनो रे, पुलिस कार मैं वहाँ क्यों रखूंगा रे। अरे अरे, वहाँ हमारी कार नहीं है, आने में देर होगी कहने के लिए फोन किया तो ये बिना सुने ही फोन रख दिया, गधा। यूं सोचा, फिर सब पुलिस कार में चढ़ गए। वो आराम से पुलिस स्टेशन आ गई। उन सबको खूब पीटे, फिर वे उनके दिए हुए जानकारी से कबीर सिंह को भी अंदर करते हुए उसे खूब पीटा। फिर कबीर सिंह मोटू को मारते हुए, गधे कहीं के, बिना बात सुने फोन काट दिए, तुम्हारे वजह से जो कमाया सब खो दिया रे, कहकर मारने लगा। अरे मत मारो डैडी, यूं चिल्लाने लगा। भैया, हमें भी एक अवकाश दीजिए, आपके और आपके इस गधे बेटे के साथ काम करने की सजा हमें भी मिलनी चाहिए, कहकर उन दोनों को पकड़कर चोर उन्हें खूब पीटे। एक गांव में रमाकांत नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। रमाकांत रोज 12 घंटे रिक्शा चलाता था। ऐसे ही थोड़ा कुछ कमा कर उसकी पत्नी काजल और बेटे चिंटू को पालता था। चिंटू रोज रात को उनके झोपड़े के बाहर आकर तारे गिनता रहता था। एक दिन जब चिंटू तारे गिन रहा था, तभी एक बिजली आसमान से उसके झोपड़ी के आगे आ गिरी। देखने पर वहां एक रोबो डॉग था। रोबो डॉग को देखकर चिंटू आश्चर्यजनक हो गया, धीरे से उसके पास गया। वो रोबो डॉग हाथ जोर जोर से हिलाकर हवा में गुलाटी मारने लगा। चिंटू ये देखकर डर गया। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक ग्रह प्रवासी हूँ, गलती से हमारे वाहन से मैं नीचे गिर गया, मेरे दोस्तों को शायद पता नहीं चला और वो मुझे छोड़कर चले गए, जब तक वो मुझे ढूंढ ले तुम्हें ही मुझे बचाना होगा, मुझे इस धरती पे तुम्हारे अलावा कोई और पता नहीं। हाँ, ग्रह प्रवेश के बारे में अब तक सिर्फ पढ़ा है लेकिन कभी देखा ही नहीं था। तुम मेरे घर में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, पर तुम्हें एक पुतले की तरह रहना होगा, वरना मेरे मम्मी डैडी ये सबका यकीन नहीं करेंगे। ऐसे कहकर चिंटू उसे अपने घर लेकर आया। अगले दिन सुबह रमाकांत और काजल ने रोबो डॉग को देखा। देखकर काजल ने कहा, क्या है ये नकली कुत्ते को कहाँ से लेकर आया है, चोरी तो नहीं की ना। नहीं मम्मी, कल रात को ये हमारे घर के सामने मिला, खेलने के लिए घर लेकर आया हूँ। वो दोनों वहां से चले गए। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू जाकर कुछ बिस्किट्स लेकर आया। ये क्या है, जवाब देते हुए चिंटू ने कहा, इन्हें बिस्किट्स कहते हैं, तुमने कभी नहीं खाया। मैंने कभी इन्हें देखा तक नहीं। चिंटू जाकर लड्डू लेकर आया। क्या है ये, आपकी दुनिया कितनी अजीब है।
इन्हें लड्डू कहते हैं, तुमने ये भी कभी नहीं खाया? लेकिन तुम अपने ग्रह में खाते क्या हो? मैं सिर्फ डाटा खाता हूँ दोस्त। क्या डेटा खाते हो? पता है हमारी दुनिया में डेटा बहुत महंगा होता है, लेकिन तुम्हें एक दिन में कितना डेटा चाहिए? मैं रोज कम से कम 20 GB डाटा खाता हूँ दोस्त। 20 GB इतना डेटा मतलब एक ही रास्ता है, कहकर वो उसे सेलफोन टावर के पास लेकर गया। वो रोबो डॉग टावर से आने वाले सारे सिग्नल्स को खाने लगा। उसके बाद दोनों बहुत देर खेले। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन रमाकांत की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसकी पत्नी से कहा था, 1 साल तक रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, अब घर कैसे चलेगा और ऊपर से दवाई का खर्चा भी ज्यादा होगा, क्या करे समझ में नहीं आ रहा, कहकर दुखी हुआ। इसी वक्त रोबो डॉग आकर बोला, आप लोग परेशान मत हो दोस्तों, मैं रिक्शा चलाऊंगा। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। चिंटू ने जो भी हुआ उन सबको कहा। चिंटू ने रोबो डॉग को रिक्शा से जोड़ दिया और बीच में ले जाकर चिल्लाया, आइए आइए, आपको किसी भी गांव जाना हो, हमारा रोबो डॉग बहुत तेजी से आपको पहुंचा देगा। लोग हैरान रह गए। एक आदमी आकर कहा, क्या किसी भी गांव लेकर जाएगा? मेरी दिल्ली की ट्रेन मिस हो गई, ये लेकर जाएगा क्या? अरे क्यों नहीं लेकर जाएगा, ट्रेन से पहले पहुंचा देगा आपको, आइए बैठिए। वो रिक्शा में बैठ गया। बस अब रोबो रिक्शा ट्रेन से भी तेज जाने लगी। ये देखकर ट्रेन में बैठे हुए लोग हैरान रह गए। इस तरह वो रोबो डॉग रिक्शा को 24 घंटे चलवाया। वो प्रयाणिक को हवा में भी ले जाने लगा। ये बात देश भर में फैल गई। लोग दूर दूर से रोबो रिक्शा में बैठने आने लगे। इसी के साथ रमाकांत का परिवार अमीर बन गया, नया घर भी बना लिए। एक दिन रोबो डॉग ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मेरे घर से सिग्नल आ रहे हैं, मुझे निकलना होगा। सबने उसका नमस्कार किया। चिंटू रोने लगा। चिंटू रो मत, मैं तुम्हें हर साल देखने आऊंगा यहाँ, कहकर हवा में चला गया। चिंटू ने उसको टाटा कहा।